सीबीआई ने मुझे बुलाया था सुबह 11 बजे और 11 बजे से 8:30 बजे तक लगभग उन्होंने पूछताछ की 9.5 घंटे। सबसे पहले मैं सीबीआई के सभी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। तो उनकी जो भी कर्टसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सबके मैंने जवाब दिए। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है और ये पूरा का पूरा कथित एलेज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हुए हैं, ये वो काम नहीं कर पाते, ये अच्छे स्कूल नहीं बना सकते। 30 साल में इनसे गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, मध्य प्रदेश में एक स्कूल नहीं बना। तो ये जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वो ये कर नहीं सकते। एक ही तरीका इनको मिला है कि हमें बदनाम करो, हमें कुचल दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, बर्बाद कर दो। नहीं तो लोग इनसे पूछते हैं, अभी जब आम आदमी पार्टी ने किया तो तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल में जो काम नहीं हुए दिल्ली में वो काम होने शुरू हो गए हैं और अब इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रही है। पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी, अब नेशनल पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, जगह जगह जा रही है, लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता हमारे साथ है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप एक दो प्रश्न। सब कुछ पूछा उन लोगों ने, ये नीति शुरू कैसे हुई, आपने कहाँ से शुरू किया, क्यों शुरू किया, वहां से लेके अंत तक सारा। आप ये मान के चलो कि 2020 से लेके और अभी तक के जितनी डेवलपमेंट्स हैं सबके ऊपर लगभग 56 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। सर, उनके सवालों से आपको क्या लगा कि सीबीआई के पास क्या आधार है और क्या आपको आगे भी बुलाने के लिए उन्होंने कहा है? ऐसा मुझे कोई इंडिकेट नहीं किया कि वो आगे बुलाएंगे। और मेरा अपना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इतना सा भी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है ये कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत किया, हमारी सरकार ने कुछ गलत किया। सर, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को डिटेन भी किया गया था, जिनमें शांतिपूर्वक लोग आवाज उठा रहे थे, हालांकि उनको रिलीज किया गया। आम आदमी पार्टी के लोग आवाज़ उठा रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया, ये गलत है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हम लोगों का अधिकार है, हम किसी को कोई गलत नहीं कर रहे थे। मुझे खुशी है कि अब वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। सर, कल सदन में सेशन बुलाया है, उसमें जी ने सवाल उठाए हैं कि इस तरीके से आप सेशन नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? कह रहे हैं कि इस तरीके से मनमाने तरीके से सेशन नियमों के खिलाफ बताया सर। कैसे, कौन से नियम के खिलाफ है? कल सदन होगा, बिल्कुल होगा। कौन से नियम के खिलाफ है? कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है, एलजी से तो पूछने की जरूरत है। सर, उन्होंने कहा है बिना डिजॉल्व किए हुए आप दोबारा सेशन बुला रहे हो और ऐसा नहीं। ऐसा हमेशा होता है। स्पीकर के अधिकार से मैं चाहता हूं कि एलजी साहब थोड़ा सा संविधान, थोड़े से रूल्स, थोड़े से कायदे और पढ़ लें। मैंने बार बार कहा है कि कोई ऐसा एडवाइजर रख लें जिसको थोड़ी संविधान की जानकारी हो, कोई ऐसा एडवाइजर रख लें जिसको थोड़ी कानून कायदे की जानकारी हो तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।